अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन अगर आप एक्सरसाइज देखें, उसके चार पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी आपने क्या फाइंड करना है, फंक्शन की वैल्यूज़ एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करनी है, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर आपने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में आपने पहला पार्ट पुट करना है पहले, यानी एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करना है। तो इस एफ में जहाँ एक्स है वहाँ आपने माइनस टू पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर यानी माइनस टू का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह माइनस टू। माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, माइनस माइनस प्लस टू, फोर प्लस टू इज सिक्स। तो फर्स्ट पार्ट था कि आपने एफ ऑफ माइनस टू पुट करना है, तो जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एक्स की जगह माइनस टू पुट कर दें, आंसर आएगा सिक्स। सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ ज़ीरो यानी एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें। तो इस क्वेश्चन में एक्स की जगह अगर आप ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। थर्ड वन एफ ऑफ एक्स माइनस वन, तो आपने क्या करना है, जहाँ एक्स है वहाँ आपने एक्स माइनस वन पुट करना है। तो इस क्वेश्चन में जहाँ एक्स है वहाँ आपने एक्स माइनस वन पुट करना है। एक्स की जगह आप पुट करें एक्स माइनस वन, स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस, फिर इस एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स माइनस वन, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, फर्स्ट वन का स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, सो माइनस एक्स प्लस वन। उसके बाद आप सम अप करें, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन, प्लस वन इज प्लस टू, ठीक हो गया। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस वन की, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसी तरीके से फोर्थ में आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर आपने फाइंड आउट करना है। तो जहाँ एक्स है वहाँ आपने पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इस एक्स की जगह पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस, फिर एक्स की जगह रिप्लेस करें एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अगेन आप पहले स्क्वायरिंग ओपन करें, स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर करेंगे तो वह एक्स की पावर फोर हो जाएगी, प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो फोर टू द एट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर, तो वो सिक्सटीन आ जाएगा। फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अब एक्स फोर एज इट इज़ रहेगा, एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सेवन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्सटीन माइनस फोर, सिक्सटीन माइनस फोर इज़ प्लस ट्वेल्व, ठीक हो गया। तो आपका एक फर्स्ट वाला पार्ट ए है, इसमें आपने चार चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पार्ट बी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस फोर। सेम उसी तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, सबसे पहले एफ ऑफ माइनस टू पुट करना है, एफ ऑफ माइनस टू जहाँ एक्स है वहाँ आपने माइनस टू पुट करना है। तो इसमें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस टू, ठीक है। तो एक्स की जगह माइनस टू पुट किया, माइनस टू प्लस फोर, तो ये आपके पास टू और अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड वन एफ ऑफ ज़ीरो, तो जहाँ एक्स है वहाँ आपने ज़ीरो पुट कर दिया, क्वेश्चन में जहाँ एक्स है वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, ज़ीरो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर अंडर रूट, तो ये अंडर रूट फोर आ जाएगा और अंडर रूट फोर किसके इक्वल होता है, टू के इक्वल होता है। थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स माइनस वन, अगेन जहाँ एक्स है वहाँ आपने एक्स की जगह रिप्लेस करना है एक्स माइनस वन और प्लस फोर एज इट इज़ रहेगा, ऐड करेंगे तो एक्स प्लस थ्री अंडर रूट, ये आपका आंसर आया। एंड फोर्थ वन इज़ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, जहाँ एक्स है वहाँ आपने पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस फोर और प्लस फोर एज इट इज़ आ जाएगा, दोनों को ऐड करें एक्स स्क्वायर प्लस एट अंडर रूट, ये आपका सेकेंड पार्ट का
चारों आंसर्स आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में भी फर्स्ट वाला पार्ट है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 6x-9. क्वेश्चन अगर आप एक्सरसाइज देखें तो उसमें हमने कैलकुलेट ये पूरे टर्म कैलकुलेट करनी है. इस पूरे टर्म में हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ये हमें पूरा का पूरा फैक्टर हमने कैलकुलेट करना है. तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे. सबसे पहले अगर इसमें हम देखें हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच ये कैलकुलेट करना है, फिर एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है, ठीक है. यानी एक्स की जगह एक दफ़ा पुट करना है ए प्लस एच, और एक दफ़ा एक्स की जगह पुट करना है ए, ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक दफ़ा एक्स की जगह पुट करेंगे ए प्लस एच, तो जहाँ एक्स है वहाँ आपने पुट करना है ए प्लस एच ब्रैकेट 6 बाहर एज इट इज़ रहेगा, माइनस 9 भी एज इट इज़ रहेगा. 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6a आ जाएगा प्लस 6h, प्लस 6h माइनस 9 एज इट इज़, ठीक हो गया. तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच. सेकेंड आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए, तो जहाँ एक्स है वहाँ आपने ए पुट करना है, 6a माइनस 9 आ जाएगा, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है ए, तो 6a माइनस 9 आ जाएगा. अब पूरा फैक्टर लिखें, 6 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करें. पहले फैक्टर की वैल्यू है 6a प्लस 6h माइनस 9, ये ब्रैकेट में पुट कर दिया, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दें. अब माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 6a माइनस 6a कैंसिल हो जाएगा, और 9 और माइनस 9 प्लस 9 भी कैंसिल हो जाएगा. आपके पास रह जाएगा 6h ओवर h, h और h कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 6 आपका आंसर आ जाएगा. तो इस पूरे फैक्टर का आंसर क्या आया, 6 आया. सेम इसी तरीके से फंक्शन अब आपका चेंज है, फंक्शन में आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स. सेम उसी तरीके से आपने क्या कैलकुलेट करना है, ये पूरे का पूरा फैक्टर कैलकुलेट करना है. एक दफ़ा एक्स की जगह पुट करना है ए प्लस एच, एक दफ़ा एक्स की जगह पुट करना है ए, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच वो आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच, जहाँ एक्स है वहाँ आपने रिप्लेस किया ए प्लस एच. एंड इसी तरीके से एफ ऑफ ए के लिए जहाँ एक्स है वहाँ पुट किया एफ ऑफ ए, तो वो आ जाएगा साइन ऑफ ए. फिर जो फैक्टर कैलकुलेट करना है वो सारा का सारा लिखा, उनकी जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दें, तो साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए ओवर एच, दो साइन नेगेटिव हो रहे हैं, तो दो साइन नेगेटिव होने का चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर 10.4 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा कि दो साइन नेगेटिव होते हैं, तो जब हम इसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं टू फॉर्मूले का आएगा टू कॉस साइन, टू कॉस साइन आएगा. दो साइन नेगेटिव हों तो पहले टू कॉस साइन, एक दफ़ा इनके एंगल्स को ऐड करना है और डिवाइड करना है टू पे, और एक दफ़ा इनके एंगल्स को माइनस करना है और टू पे डिवाइड. फर्स्ट ईयर 10.4 का ये आपके फॉर्मूला यूज़ हुआ है, जिसमें दो साइन नेगेटिव हों तो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं. पहले फॉर्मूले का टू आएगा, पहले कॉस एंड फिर साइन, एक दफ़ा दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड करना है और एक दफ़ा माइनस करके टू पे डिवाइड करना है. तो ए प्लस एच प्लस ए दोनों को ऐड किया टू पे डिवाइड, और दोनों को माइनस किया ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय टू, ठीक है. इनमें ऐड अप करेंगे तो ये पूरा फैक्टर आ जाएगा. यहाँ पे ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, एच बाय टू आ जाएगा. इसको अरेंज करके लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा टू बाय एच कॉस ऑफ, यहाँ पे इनको एलसीएम अलहदा किया गया है, 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस h बाई 2, तो ये आ जाएगा a प्लस h बाई 2 साइन एच बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा. इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, यहाँ मैंने सॉल्व किए हुए हैं, देख लें एक दफ़ा, लेकिन आपने ये खुद ट्राई करने हैं. सेम इसी तरीके से कॉस का है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस के ये क्वेश्चन इसके तीन पार्ट्स हैं, कोई भी आपका पार्ट जो है वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. फर्स्ट वन है, इफ़ एक्स बी द यूनिट ऑफ द साइड ऑफ अ स्केयर, अगर आपके पास एक्स यूनिट ऑफ अ साइड ऑफ अ स्केयर, एक स्केयर है, ठीक हो गया, एक स्केयर है, तो इस स्केयर की आपके पास पता है एक्स, इसकी साइड्स को हमने एक्स का नेम दे दिया, इसका पैरामीटर, इसकी पैरामीटर